नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज दोस्तों, आज हम वो स्कीम लेकर आए हैं जो खास करके श्रमिकों के लिए है। देखिए, मैं श्रमिकों की बात करूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र से दोस्तों बिलोंग करता हूँ। मैंने देखा है श्रमिक डेली का 300, 400, 500 रुपए कमाते हैं। महीने का अगर हम मोटा मोटी जोड़े तो 15,000 रुपए। बट अगर उनसे बचत के नाम पर पूछा जाए कि आपने महीने में कितनी बचत की, तो शायद उनके बचत के नाम पर जीरो न कहें और शायद माइनस में वो चले जाते हैं। कर्ज लेकर उनको महीने का गुजारा करना पड़ता है। तो ये उनकी आप मजबूरी समझिएगा या जो भी समझ सकते हैं आप लोग। बट ऐसा क्या होता है, अब धीरे धीरे क्या होती है, लोगों की उम्र गुजर जाती है। जब बुढ़ापा आता है तब उनको समझ में आता है कि आज तो मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, मुझे रोटी कौन देगा, मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे, मतलब कि मेरा बुढ़ापा कटेगा। तो इसके लिए सरकार ने एक बेहतरीन से स्कीम चला रखी है, जिसके तहत 60 साल के बाद श्रमिकों को 36,000 रुपए प्रति साल यानी कि 3,000 रुपए प्रति महीने की दर से आपको पेंशन मिलती है। काफी श्रमिकों को ये नहीं पता होता है, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप छोटा सा कंट्रीब्यूशन करके मात्र 55 रुपए महीने जमा करके, मात्र दोस्तों 55 रुपए का अगर आप बचाते हैं प्रति माह, प्रति मंथ अगर आप 55 रुपए बचा लेते, मात्र 55 रुपए बचाना है आपको, मैं ज्यादा बचाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 55 रुपए मामूली से रकम बचाना है और आप 60 साल बाद 3,000 रुपए प्रति माह के हकदार हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, जो इस समय हमारा वीडियो देख रहा होगा ना, कि 55 रुपए बचाना और 60 साल बाद मुझे पैसा मिलेगा, इतना कौन इंतजार करेगा। तो यही क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपकी ये हमारा वीडियो कोई 60 साल के ऊपर का व्यक्ति देख रहा होगा ना, तो उसको आज इस वीडियो की कीमत पता चलेगी। वो आज यही अफसोस कर रहा होगा, काश मैंने 55 रुपए महीने बचाए होते और आज मैं 60 साल का हो चुका हूं और इसके बाद मुझे 3,000 रुपए सरकार पेंशन दे रही होती। आपके मन में ये सवाल होगा, आपके मन में ये भी सवाल होगा कि 3,000 रुपए आज के 60 साल बाद, मेरी जब उम्र 60 साल होगी तब वैल्यू क्या रखेगा। तो दोस्तों, आप इस वैल्यू की अगर बात करें तो आपके गांव में, आपके शहर में जिसको मात्र 500 रुपए प्रति माह बुढ़ापा पेंशन मिल रही है ना, उससे एक बार ये पूछ कर देखिएगा कि इस 500 रुपए की कीमत क्या है उसके लिए। आज की डेट की मैं बात कर रहा हूं, 2024 की, उसके लिए दोस्तों 60 साल के बाद ये 500 रुपए वरदान साबित होते हैं। ये अगर आपको ऐसा यकीन नहीं हो रहा तो आप अपने किसी बुजुर्ग से जो आपके गांव में रह रहा हो, शहर में, उससे पूछ सकते हैं। तो आज हम ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, और इस योजना के तहत मात्र आपको 55 रुपए मंथली के बचाने हैं और 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है। ये दोस्तों योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले उन श्रमिकों के लिए शुरू की गई है जो अपना पैसा नहीं बचा पाते हैं। अगर उम्र, यहाँ पर उम्र की बात करें, अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको महीने का मात्र, अगर आपकी 18 साल उम्र है तो 55 रुपए जमा करने हैं। अब 18 साल अगर आप हो गए होंगे तो टोटल आपको 42 साल जमा करना पड़ेगा। अभी हम कैलकुलेशन भी करेंगे आपके सामने। और अगर आपकी उम्र 40 साल है तब आपको 200 रुपए प्रतिमाह जमा करना होगा, और आप जब 40 साल हो जाएगी तो मतलब 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी, तो 20 साल आपको जमा करना पड़ेगा, तब भी आपको 3,000 रुपए महीने पेंशन मिलेगी। तो अगर आपकी एज आज 18 साल के आसपास है तो आप जरूर इस स्कीम में एनरोल कर लीजिएगा, जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आप करिएगा, अगर आपकी शादी होगी तो वो करेगा, या उसकी आपकी सिस्टर है, जो भी हो तो जरूर करिएगा। और उम्र अगर 40 साल से ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो स्कीम दोस्तों असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए है। और स्कीम के फायदे क्या है, फायदा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 60 साल के बाद 3,000 रुपए प्रतिमाह की आपको पेंशन मिलेगी। तो अब हम थोड़ा ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, अगर आपने आज से शुरू कर दी, मैं आपको एग्जांपल लेकर चलूंगा कि अगर आप आज 18 साल के हैं और आपसे ही आपने स्कीम में शुरुआत कर दी कंट्रीब्यूशन की, तो आप कितना जमा कर पाएंगे और कितना रुपए टोटल जमा होगा और कितना मिलेगा, इसके लिए मैं अपना मोबाइल फोन ले लेता हूं। दोस्तों मैं आपको, अगर आप 18 साल के हैं तो 55 रुपए इसमें कंट्रीब्यूट होता है, तो 55 रुपए हर महीने जमा करना, मतलब 12 महीने में आपको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये लगभग 660 रुपए आपका साल भर में आप जमा कर पाएंगे, अगर आपकी एज 18 साल है तो, एज आपकी है ना। अब 18 साल के हैं, इस स्कीम में 60 साल तक जमा करना होता है, मतलब 60 में 18 माइनस करिएगा तो 42 साल आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। प्रति साल 660 रुपए जमा कर रहे हैं
तो 660 का अगर मल्टीप्लाई कर दें 42 में, तो आप लगभग 27,720 रुपए जमा कर पाएंगे मात्र। समझिएगा, आपको बहुत बड़ी रकम नहीं 27,720, 42 साल में आप जमा कर पाएंगे। सोचिएगा, अब आपकी उम्र मान लो 60 साल हो गई, अब ये पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको पेंशन मिलेगी 3,000 रुपए साल का, सॉरी महीने का, तो एक साल में कितना हो जाएगा 36,000 रुपए आप एक साल में ही रिटर्न पा जाएंगे। सरकार की स्कीम देखिएगा, आपने टोटल दोस्तों 60 सालों में ना 42 सालों में 27,720 रुपए ही जमा किया है टोटल, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और आपका दोस्तों एक साल, अगर आप 60 साल के बाद एक साल भी जिंदा रहे ना, तो मात्र 36,000 रुपए आप विड्रॉ कर लेंगे एक साल में। इसके बाद आप जब तक जीवित रहेंगे 61 साल 62 साल 70 साल 80, हर माह 36,000 रुपए आप कमाएंगे। सोचिएगा, अगर आप ना मात्र 36,000 रुपए साल का आप अगर कमाएंगे, और आप अगर मान लीजिएगा 12 साल भी जीवित रहे, मतलब कि 72 साल तक ही जीवित रहे, तो 36 मल्टीप्लाई 12 मैं कर देता हूँ, 4,32,000 रुपए के आप अप्रॉक्स आप मात्र इन 12 सालों में अर्न कर लेंगे, जो कि आपको पेंशन के तौर पर मिल जाएगी। छोटी सोचिएगा, मात्र 55 रुपए का अमाउंट आपको साल भर में 36,000 रुपए की पेंशन देगा, और अगर आप 12 साल भी जिएंगे ना, तो 4,32,000 रुपए आपके पेंशन के तौर पर आपको मिलेंगे। छोटे से अमाउंट का कैलकुलेशन देखिएगा आप, तो ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि इस स्कीम में एनरोल कर लेना चाहिए। आप प्राइवेट जॉब करते हो, आप हालांकि प्राइवेट जॉब वाला ही कर सकता है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्कीम है। सरकारी जॉब का ऑलरेडी पीएफ वगैरह करता है, उसको इसकी टेंशन नहीं रहती है। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो आपके लिए स्कीम और ये योजना, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जरा कैलकुलेशन ये कर लेते हैं, अगर आपकी उम्र 30 साल होती है तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। ये दोस्तों 18 साल वाले व्यक्ति के लिए 55 रुपए है, अगर आप 30 साल के हैं तो लगभग आपको 90 रुपए महीने जमा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अगर आपकी एज 35 साल है तो लगभग 150 रुपए के आसपास 120 या 30 रुपए जमा करना पड़ता है। अगर उम्र 40 साल हो गई तो 200 रुपए जमा करना होता है। तो यदि आपकी उम्र दोस्तों 30 साल है तो लगभग, मैं अभी अप्रोक्स कंफर्म नहीं हूं, 130 रुपए महीने जमा करना होगा। 40 साल है तो लगभग 200 रुपए महीने जमा करना होगा, मतलब कि एक साल में 2400 रुपए आप जमा करेंगे, है ना। लेकिन 40 साल एज होगी, 60 साल तक ही करना है, कुल मिला के 20 साल ही आपको जमा करने पड़ेंगे 2400 रुपए, तो ये लगभग 48,000। इसमें आपको पैसा तो ज्यादा जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एज बहुत हो चुकी है 40 साल, लेकिन रिटर्न फिर भी 60 साल जैसे आप होंगे ना, आपको प्रति साल 36,000 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 3,000 रुपए महीने। सोचिएगा कितना बेहतरीन स्कीम है। तो अगर आपकी भी एज ना 18 से 40 साल के बीच में है, तो जल्द से जल्द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में एनरोल करिएगा। एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आधार कार्ड और बैंक पासबुक ले जाकर के सीएससी सेंटर जनसेवा केंद्र चले जाना है, और वहां पर जाकर के उनसे बोलिएगा मुझे श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करवाना है, तो वो आपका आवेदन कर देंगे, और आपके अकाउंट को डायरेक्ट वहीं से लिंक कर दिया जाता है। आपके हर महीने, अगर आपकी एज 18 साल होगी तो 55 रुपए कटने लगेंगे, और 55 ही सरकार जमा करती है दोस्तों, ये बिल्कुल पीएफ की तरीके के काम करता है। अगर एज 30 साल होगी तो लगभग 130 रुपए हर साल हर महीने आपके अकाउंट से कटेगा, और 130 रुपए ही सरकार जमा करती रहेगी। ऐसे धीरे धीरे कुल मिला के अकाउंट लिंक हो जाता है, और धीरे धीरे पैसे कटते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 55 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम होती है। आप सोच के देखिए 55 रुपए आज के डेट में क्या वैल्यू रखता है, आप अपने लिए सोच कर देखिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जानकारी वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसके लिए एनरोलमेंट करने के लिए दोस्तों आपको सीधी सेंटर ही जाना होगा, सिर्फ अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक ले जाकर के वहां पर एनरोल करिएगा, और आप इस स्कीम का फायदा जरूर उठाइएगा। अब आपके मन में एक ये डाउट होगा कि मैं सपोज दैट किसी दुर्घटनावश बीच में ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब क्या होगा इस पैसे का। तो दोस्तों ये पैसा आपके नॉमिनी को मिलेगा, तब पेंशन नहीं मिलेगी उस केस में। आपका जितना पैसा आपने जमा किया है ब्याज सहित आपकी नॉमिनी को मिल जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखें। काफी लोगों को मन में सवाल होता है कि मैंने 30 साल की उम्र थी एनरोल कर दिया, मान लो उसकी डेट 40 साल में हो गई, पेंशन तो हकदार नहीं, बट 40 साल में जितना वो पैसा जमा कर पाया ना 10 सालों में, वो सारा उसके नॉमिनी को पैसा विध ब्याज सरकार
वापस कर देती है। अब एक लोगों का मन में ये भी सवाल होगा कि अगर 60 साल के बाद ही पेंशन मिलना है, वो 60 साल एक महीने ही जीवित रहा, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में दोस्तों आपको मात्र 3,000 रुपये मिल पाया होगा, है ना, तब फिर पैसा आपको नहीं मिलेगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 60 साल का पेंशन बन जाएगी, पेंशन सिर्फ आपको ही मिलेगी, पेंशन आपके नॉमिनी को नहीं मिलती है, इसका विशेष ध्यान रखिए। तो स्कीम कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल हेल्प हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।